Hero Hazrat, boys and girls, uncle and auntie, welcome to HMS Jani Asnam and I, presented by Surf XL. भाई आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में क्रिकेट के बाद देखे जाने वाले सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स की। मैं उसकी बात नहीं कर रहा है भाजी, दुपट्टा ऊपर कर ले भाईजान, स्टैंड ऊपर कर ले, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल की, जो पाकिस्तान में बहुत शौक से देखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फुटबॉल तो देखी जाती है मगर पाकिस्तानी फुटबॉल बिल्कुल नहीं देखी जाती, और पाकिस्तानी शायकीन को खुश करना बहुत आसान काम है। भाई 211 टीमें हैं फुटबॉल की मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नंबर 200वां है, उसके बावजूद हम सिर्फ इस बात पे खुश हो जाते हैं कि कम से कम टीम नहीं जा रही, पाकिस्तान की फुटबॉल तो जा रही है फीफा में। लियारी जो है कराची का इलाका, वो फुटबॉल का कैपिटल कहलाता है पाकिस्तान में। वो ब्राजील के बहुत ज्यादा बड़े फैंस हैं और जब भी ब्राजील की टीम जीतती है वो बहुत जश्न मनाते हैं। अच्छा ऐसा है, पाकिस्तान में फुटबॉल को सपोर्ट करना है भी बहुत मुश्किल, क्योंकि यहाँ रीजनल टीम्स तो है नहीं, यहाँ डिपार्टमेंटल टीम्स है, तो कितना अजीब सा लगेगा कि यार मैं वापडा को सपोर्ट कर रहा हूँ और ये कहते ही वापडा की लाइट चली जाए। सुई गैस की टीम रात 10 बजे के बाद नहीं खेलती, रेलवे की टीम जो है उसका मंडे को मैच हो तो वेनेसडे को आती है, अक्सर लेट हो जाती है या धूम की वजह से चल नहीं पाती। मगर 3 डोमेस्टिक टीम्स ऐसी हैं जो हर टूर्नामेंट में टॉप परफॉर्मर्स होती हैं, यानी पाक आर्मी, पाक एयरफोर्स, पाक नेवी, ये हर टूर्नामेंट को जीतती हैं और इनको रेफरी ना रेड कार्ड दिखाता है ना येलो कार्ड दिखाता है, इतनी डिसिप्लिन टीम्स हैं कि इनको रेफरी सीटी भी नहीं बजाते, सल्यूट करते हैं और अक्सर ये रेफरी को रेड कार्ड दिखा के चले जाते हैं। पाकिस्तान में फुटबॉल को सपोर्ट करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ज़्यादातर तो हमारी टीम बैन रहती है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान के मशहूर हिदायतकार सरमत खुसट से कि वो खुदा रा पाकिस्तान टीम की कोचिंग छोड़ दें, क्योंकि जिस चीज़ में वो हाथ लगा देते हैं वो बैन हो जाती है। अच्छा फीफा को लगता है ना कि किसी लोकल फुटबॉल फेडरेशन के अंदर पॉलिटिकल इंटरवेंशन है या कोई करप्शन चल रहा है या मामला ठीक नहीं है, तो एक कमेटी बनाते हैं, कमेटी जो है वो जाती है उस लोकल फुटबॉल फेडरेशन को कुछ अरसे के लिए टेक ओवर करती है, उसके मामला ठीक करती है और फिर वापस आ जाती है। जब पाकिस्तान में वो कमेटी भेजी गई तो हमारे PFF के प्रेसिडेंट को बहुत आग लग गई, वो फौरन उस दफ्तर में घुसे, उन्होंने तोड़फोड़ की और फुटबॉल फेडरेशन फीफा की जो कमेटी थी उसको निकाल के बाहर कर दिया। इस बात पर फीफा ने कहा अच्छा बच्चू तुम्हारी तो बैन है अपनी, तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह टीम बैन, अब जाके इस साल ये बैन खुला है तो कुछ सांस लेने का मौका मिला है। इनको शायद ये लगता है कि रैंकिंग का नंबर जितना बड़ा होता है उतना अच्छा है, दूसरों से पूछते हैं आपका क्या है भाई स्पेन, तुम्हारा क्या है, सेकेंड है भाई इनका, 200 नंबर है हमारा 200। हमारी टीम इतना बैन हो चुकी है, इतना बैन हो चुकी है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जो फुटबॉल टीम के प्लेयर हैं वो गद्दाफी स्टेडियम में क्रिकेट के ट्रायल देते हुए नजर आते हैं। हमारी फुटबॉल टीम के एक मायानास प्लेयर हैं सद्दाम हुसैन, उन्होंने कहा कि यार हम तो लीग के मैच खेलने भी अपनी बाइकों पर जाते हैं, किके मार मार के जाते हैं यार वो मैच खेलने के लिए, तो जो फुटबॉल टीम के प्लेयर फुटबॉल खेलने से पहले इतनी किकें मार रहे हैं वो फुटबॉल मैच में क्या खाक किक मारेंगे यार। पाकिस्तान के बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं कलीमुल्ला, जो साबिक कप्तान भी रह चुके हैं, उनका कहना था कि यार हमारे पास ना बुरी फैसिलिटीज़ है ना अच्छी फैसिलिटीज़ है, अगर फैसिलिटी ही होती तो हम कुछ ना कुछ कर लेते, हम तो अपनी जुराबे भी खुद धोते हैं और हमें 400 रुपये जो है वो रोज़ाना के हिसाब से अलाउंस मिलता है। उनकी इस आवाज़ के बाद शुक्र है खुदा का कुछ मूवमेंट नज़र आई PFF की तरफ से, और कलीमुल्ला की मूवमेंट थी वो जो टीम से बाहर मूव हो गए। पाकिस्तान में ना टैलेंट की कमी है ना जज्बे की कमी है, और अगर टीम ठीक हो जाए तो फैंस की भी बिल्कुल कमी नहीं है। दुआ करूंगा कि पाकिस्तान की टीम ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए, और अगर एक बार अच्छी हो गई तो बकौले रॉबर्टो कार्लोस जिनकी भी अपनी वीडियो देखी, पाकिस्तानी टीम मौत का पैगाम होगी। तो भाई फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप चल रहा है कतर में, उसको कवर करने के लिए जियो के नुमाइंदे खुसूसी वहां मौजूद है, मेरे साथ मौजूद है जियो के नुमाइंदे खुसूसी जो कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप कवर कर रहे हैं, वबाल मिर्जा। थैंक यू ताबेश, बहुत शुक्रिया, मैं इस वक्त कतर में मौजूद हूँ, लोगों की खुशी दीदनी है। क्या मनाजिर हैं, क्या मनाजिर हैं, मनाजिर आउटस्टैंडिंग है ताबेश, लोग नको स्टेडियम नको नक हो गया है, लोग बिल्कुल कुत्तों वाला रश है, कमीज से नेशनल टीवी है भाई, नेशनल टीवी पे बात कर रहे हो क्या, मैं जियो टीवी पे नहीं हूँ, मैं नेशनल टीवी पे हूँ, तो यार मेरा चेक नेशनल टीवी से आएगा जियो टीवी से आएगा, अरे छोड़े ना आगे बढ़े यार, आगे बढ़े, अच्छा ये देखो इतना आगे ठीक है भाई, फुटबॉल का पूछ रहा हूँ, फुटबॉल का पूछ रहा हूँ बबाल भाई, फुटबॉल का पूछ रहा हूँ, किसका सॉरी भाई, फुटबॉल का पूछ रहा हूँ, फुटबॉल का, मैं आहिस्ता बोलो, मुझे समझ आ रही है, मुझे फुटबॉल का पता है इसीलिए मुझे कतर भेजा गया है। भाई अभी भी मेरा पासपोर्ट देखो 36 ममालिक 36 कितने 36 जी नहीं 32 नहीं 36 ममालिक का वीजा मेरे पासपोर्ट पे कैंसिल हुआ है।
इतना सिर्फ बता दें खुदा के वास्ते कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के लिए कैसे क्वालिफाई कर सकती है यार, कोई चांस है? सिर्फ करना यह है कि दो पासपोर्ट साइज तस्वीरें, नीले बैकग्राउंड वाली, अब्बा का शिनाख्ती कार्ड, सीधा मैं एड्रेस दे दूंगा 240 मेहरान ब्लॉक 32 अलामा इकबाल टाउन लाहौर पिंडी कराची इस्लामाबाद पिशावर से पहला नहीं तो दूसरा चौक छोड़ के जो नीचे पीपल का पेड़ है वहां पर बैठता है बिल्लू बांदरिया आला, ये मामू है मनो, ये मनो आंटी है ना, मनो आंटी जिन्होंने पहली कमेटी खाई थी, ये उसके हस्बैंड है। तो वो क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन का पूछ रहा हूं। अरे यार क्वालिफिकेशन का क्या बताऊं ताबिश, मैट्रिक में मैं था, यकीन करो इतना अच्छा मेरा रिजल्ट जा रहा था, अंग्रेजी में मेरी सप्ली आ गई, लेकिन फिर अब्बा के दोस्त थे उनका इंतकाल हो गया, मैं आगे पढ़ नहीं सका भाई। यार उसके इंतकाल से आगे पढ़ाई का क्या ताल्लुक है यार? यार अब्बा के दोस्त थी तो हमारे कफील थे, अब्बा बेचारे तो नशा करते थे। अब्बा नशा करते थे? आपका क्या करते थे? नशा? अब तेरा बाप करता होगा नशा, तमीज से नाम ले। अभी तो मेरे अब्बा एक नफीस इंसान थे। क्या थे? नफीस। नफीस ही तो नहीं थे ना, काश मैं ये कह पाता मेरे अब्बा नफीस आदमी थे। नशा सस्ता नशा, इतनी एम्बेरसिंग चीज, सारा मेरे ऊपर बोझ। यार आपको खुदा का वास्ता है, मेरे शादी करवाई, खुदा का वास्ता है यार, मुझे सिर्फ ये बता दो फाइनल कौन जीतेगा यार, ये बता दो। किस चीज का फाइनल? फाइनल अबे फीफा का फाइनल यार। ओके सॉरी। हाँ देखें, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया फाइनल का। देखें टूर्नामेंट इस वक्त चल रहा है बहुत अच्छा, और मेरे अंदाजे से मैं आपको बताऊं फाइनल कौन जीतेगा, तब बताऊं जब ये मुझे बोलने देगा कुछ। अभी तो देख नहीं रहा मैं। वही वक्त आ चुका है कि बबाल मिर्जा से जान छुड़ाई जाए और अपने गेस्ट को बुलाया जाए। तो आज के एचएमएच की जो गेस्ट हैं बहुत ही कम अरसे में लीड रोल्स कर रही हैं, बहुत ही चार्मिंग हैं, तालियों में लगाएंगे पूरी जान, क्योंकि बुलाने जा रहा हूं हिला खान। कैसी है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अच्छा आपका नाम ऐसा है, पूरे दिन आपका नाम लेता रहता हूं। आपका नाम ऐसा है जिसके लिए मैं जिंदा रहता हूं। आपका नाम ऐसा है जिसकी जिसका जो जब नाम मेरे सामने आता है तो मैं हर काम करने को तैयार हो जाता हूँ। मेरे ही नाम की बात कर रहे हैं? आपके ही नाम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बेगम का भी यही नाम है। अल्लाह, कई दिल टूटने की आवाज आई, छन छन किरचियां सी बिखर गई। जब हमने इनको बताया ना कि ये हिरा खान आ रही है तो कहने लगे वो पागल सी। क्या है पागल सी, क्यों कहते हैं आपको लोग, क्या इन्होंने ऐसा देख लिया जो मैंने नहीं देखा? मैं आपने मेरा सीरियल नहीं देखा होगा। मैंने सिर्फ खा है। हाँ, देखा नहीं सीरियल। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। बट मैं कहीं पे भी जाती हूँ बहुत ज्यादा प्यार मिलता है लोगों का, और वो अक्सर मुझे सारा या पागल से ही कह रहे होते हैं, मेरे साथ तस्वीर लेते हैं आके। हाँ। और मुझे कहते हैं आपका नाम क्या है? तो फिर मैं कहती हूँ कि मेरा नाम हेरा है। बट अच्छी बात है कि मेरे कैरेक्टर से मैं उन्हें याद हूँ। अच्छा ये बताएं 2017 में भाई मिस पाकिस्तान भी सिलेक्ट हो चुकी है। वाह। अच्छा मुझे बताइए ना, अगर मैं मिस्टर पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ, मुझे कम से कम 150 किलो कम है वजन में, लेकिन मैं खड़ा हो गया मिस्टर पाकिस्तान बनना चाहता हूँ, मेरे लिए कुछ टिप्स दे। मैं आपको कहूंगी आप बैठ जाएं, आप मत खड़े हो मिस्टर पाकिस्तान। हाँ। बताती हूँ क्यों, वजह भी बताती हूँ, वजह बताती हूँ। रुको जरा, सब्र करो। क्योंकि आप वैसे ही माशाल्लाह से हर जगह पे छाए हुए हैं, किसी और को भी मौका देना, कोई खूबसूरती का कोई और जीत जाए ना, मतलब अब ये भी आप ले जाएंगे तो फिर बाकी सब लोग घर चले जाएंगे। दुनिया घूम गई, दुनिया घूम गई। सच दिल से कह रही हूँ। वेरी गुड। ऐसा है कि आप माशाल्लाह से इंडस्ट्री में आपको एक साल हो गया। हाँ, एक साल हो गया। मुझे तकरीबन ढाई साल हो गए। हाँ, ढाई साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, यहाँ से दिहाड़ी पकड़ लो, ढाई तीन साल हो गए, अभी भी लोग टिप्स देते रहते हैं, बात सुन, ऐसे एटीट्यूड में चला कर, इनसे तो बात ही मत कर, इनके साथ डीपी मत लगा, इनके साथ इनको टैग मत कर। मेरी जो हमारी मैनेजर, हमें तो पता नहीं था ये सब कुछ, उन्होंने कहा कि आप ना जाते ही वहाँ एबीसी जूस मांग लीजिएगा। मैंने कहा भाई एबीसी जूस ले आओ, मुझे पता नहीं एबीसी जूस क्या होता है। मैंने कहा ले आओ, मैंने कहा शायद मेन्यू में पहला जूस यही लिखा होता होगा ना एबीसी। वो आ गए, इतना बुरा जूस पीना पड़ रहा है क्योंकि आप स्टार हैं। इट्स वेरी हेल्दी। अच्छा ये बताएं ना, तो आपको भी कोई ऐसी टिप्स मिलती हैं, कोई बताता है सरा ए कैटेगरी में आने के लिए ये करना पड़ेगा? नहीं, अभी भी तो आई तो जस्ट स्टार्टेड, तो मैं तो जब मुझे तो लोग फर्स्ट समझते हैं अपना मशवरा देना कि ये तो नई लड़की है, तो इसको हम जाके बताएंगे कि तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजारो और तुम कैसे एक ए लिस्टर बन सकती हो और ये वो। और कभी कह रहे होते हैं कि उस डायरेक्टर से उसको मैसेज कर लो, उसके पास चली जाओ, उस सोशल सेटअप में चली जाओ, वहां पे तुम्हारा मायूं अक्सर करते हैं ऐसा सब। नहीं मजाक या सो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, और मुझे ये सब नहीं आता,
मुझे काम करना आता है, घर जाना आता है, और अगर मेरे काम से मैं ऊपर चली जाऊंगी, दैट्स व्हाट आई वांट इन लाइफ. वरना कोई बात नहीं है, छोटी चुच्चू पुच्चू हरकतें नहीं कर सकती मैं. कौन सी हरकतें? ये चुच्चू पुच्चू हरकतें टाइप. चुच्चू पुच्चू अच्छी हरकतें लग रही है मुझे. मैं करना चाहता हूँ ये चुच्चू पुच्चू हरकतें. अच्छा भाई, ऐसा है, तीन माशाल्लाह से कर लिए, अब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है? आ रहा है. आ रहा है? आ रहा है, और इंशाल्लाह अगले साल आ रहा है. उसी का शूट कर रही हूँ आजकल. हाँ. लेकिन उसके बारे में बता नहीं सकती. गंदा है, इलीगल है. इलीगल है, लेकिन आप रिवील नहीं कर सकते ना प्रोजेक्ट आने तक. अच्छा, उसमें कोई बड़ा कोई एक्टर कोई आइटम है उसके अंदर? हाय, वो तो जब आएगा तो पता चलेगा. ये जो खवातीन की बात होती है ना, ये लड़कियां भी अक्सर ये बात करती हैं. अच्छा बात सुनो, जब लड़का कहता है हाँ कुछ नहीं, आग लग जाती है. बिल्कुल. अच्छा, इनको पता है कि आग लग रही है? इनको पता होता है कि आग लग रही है? भाई जब तुम्हें बताना नहीं है तो छेड़ा क्यों? क्यों? बिल्कुल. क्यों बताया कि नया प्रोजेक्ट आ रहा है? जब बता नहीं सकती तो प्रोजेक्ट करती क्यों है? क्योंकि अंदर एक्साइटमेंट भी नहीं रह रही ना, कि मतलब बताना भी चाहती हूँ और नहीं भी बता पा रही. सो वो वाला सीन है. ये ऑडियंस आपने देखी जी? इनके चेहरे देखे जी? इनके चेहरों पे देखें जी? क्या लिखा है? बहुत खूबसूरत लोग हैं ये लोग. हाय, आप सिर्फ लड़कियों के चेहरे देख रही हैं, उन लड़कों के चेहरे देखे. वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत. हाँ देखा मैंने तुम्हें, देखा तुमने इशारा किया मेरी. अच्छा, लड़के बाल ही बना रहे हैं? मुझे देख रहे हैं? उन्होंने तो मुझे कहा ना कि मुझे देखें. इनके पास सवाल है. हाँ, अच्छा जी. इनके पास सवाल है, अब मैं बढ़ूंगा ऑडियंस की तरफ. ऑडियंस में से एक एक करके सवाल पूछूंगा, क्योंकि आज लड़के कम है तो मैं लड़कों से स्टार्ट करूंगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है पार्टनर? अहमद. अहमद क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ. वाह, क्या पढ़ लेते हो? क्या क्या पढ़ लेते हो? मैं लोगों के दिलों का हाल भी पढ़ लेता हूँ. अच्छा, मेरे दिल में क्या चल रहा है? आपके दिल में इस वक्त शो कैसे अच्छा ऑर्गेनाइज है वो चल रहा है? नहीं, ये तो नहीं चल रहा. कोई पता नहीं. कोई सवाल लाए हो? जी, मेरा सवाल आप दोनों से है. पूछो ना. अच्छा, क्वेश्चन है कि इश्क में कामयाबी का फॉर्मूला हो तो बताइए. मुझे बड़ी जोर का इश्क लड़ गया है. इश्क में इस सवाल को निपटाएंगे. इश्क में कामयाबी का फॉर्मूला पूछ रहा है, वो कह रहा है मुझे बड़ी दिल चाह रहा है इश्क करने. जोर से पहले आप बताए ना, उसने दोनों से पूछा. मुझसे ही पूछ रहे बेटा? हाँ. इश्क में कामयाबी का फॉर्मूला हो तो बताइए. बेटा देखो, एक तो ये दिलों के सस्ते हाल पढ़ना छोड़ दो. ओके. ये 1990 में होता था इस तरह से कि मैं हाथ पढ़ के तुमसे मोहब्बत करूंगा, ऐसे नहीं होता बेटा. ओके. दूसरी है कि अगर कोई मिल जाए तो. अगर मिल गई हो तो? मिल गई है. क्या वो यहाँ मौजूद है? नहीं, इधर यहाँ मौजूद नहीं. ठीक है बेटा, अब वो तो मिल गई है आपको. आप उससे पूछना क्या आप भी उसको मिले हो या नहीं. सर, मैं उसको मिल चुका हूँ, वो भी मुझे मिल चुकी है. तो टीवी देख रही है? वो टीवी देख रही है? हाँ जी. अहमद वो टीवी देख रही है? कोई डिसेंट बात बोल दो उसे आज. हाँ, मैं उसे आई लव यू. ये लड़का पाकिस्तान का लड़का. हाँ. मतलब बोल ही दिया ना. भाई बेटा एक बात बताऊं मैं तुमको, ये जो तुम लोग आई लव यू पहले कह देते हो जी जी. दूसरे मुल्कों में इसमें सालों लग जाते हैं करने. हाँ. में इतने इतना अच्छा मीन नहीं करते. हाँ, रियलाइज भी नहीं करते कि इंटेंसिटी क्या है. पहली बार मुलाकात करते हैं. पहली बार मुलाकात करते हैं, हेलो आई लव यू, अस्सलाम वालेकुम, आई लव यू, अस्सलाम वालेकुम. अबे भाई बेटा, आई लव यू में पहले टाइम लेते हैं, मेक श्योर करते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको जिंदगी भर निभा पाऊंगा कि नहीं. ऐसा है नहीं ये खवातीन, कभी भी ऐसे सस्ते लोगों के कहने में ना आना. फिर मैंने फॉर्मूला बता दिया, अब आप भी फॉर्मूला बताएं. आपने बताया आप अभी पढ़ रहे हैं ना जी. हाँ. थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दें, कसम से ये सब हो जाए. जिंदगी के साथ साथ सब कुछ, जब जिस चीज का जब वक्त होगा ना तो. ओके. हो जाएगी. और तुम्हारा वक्त थोड़ा दूर है अभी बेटा. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है मैम आपका? हुमैरा. हुमैरा, बहुत खूबसूरत लग रही हूँ मैम आप. थैंक यू. क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ. हाउस वाइफ हैं? जिनका हाउस है वो कहाँ है? वो काम पे. वो काम कर रहे हैं? हाँ जी. वाह वाह वाह, वो ये बता के गए कि मैं काम पे जा रहा हूँ या आपको पता है कि वो काम पे गए? मुझे पता है, बता के भी गए. वेरी नाइस, वेरी गुड. आज आप अपनी फैमिली के साथ आई हैं? हाँ जी. कहाँ, क्या क्या है फैमिली में अवेलेबल? ये दोनों बेटे हैं, ये मेरी. ये तो एक ही बेटा है? दोनों कौन से इनमें से? अच्छा, वो पीछे भी हैं उनके. वाह वाह वाह. और बेटी भी आई है माशाल्लाह? ये बहू है मेरी. ये बहू है आप? हाँ जी. और बहू के हाथ में क्या है? ग्रैंड डॉटर है आपकी. पोती? हाँ, पोता. क्या नाम है पोती का? वरदा. जरना? वरदा. वरदा, वरदा नाम, बहुत अच्छा खूबसूरत नाम है. यंगेस्ट हमारी ऑडियंस मेंबर है वरदा. इसको पता भी नहीं होगा ये कहाँ है. हाँ जी. अच्छा, बहू को जरा माइक दे, मैं बात करूंगा. आप स्वीट सी सास लग रही है, सास का फीडबैक लूंगा मैं.
क्या नाम है आपका वर्दा की अम्मी? मेरा नाम निम्रा। निम्रा क्या कब कितने अरसा हो गया शादी को? मेरा 1.5 साल हो गया। 1.5 साल माशाल्लाह हो चुका है। कैसी है सास? अच्छी है बहुत। अभी तक अच्छी चल रही है। आपके हस्बैंड भी काम पे गए हुए हैं या वो इधर ही हैं? नहीं, वो यहीं पे हैं। ओ, नया दूल्हा अभी से पीछे बिठाया हुआ है। अच्छा वर्दा को इधर लाए ना, वर्दा को मेरे पास लाए ना। वर्दा, वर्दा से बात कर सकते हैं थोड़ी सी? जी जी। हैं? मैं पकड़ लूंगा बेटा, मैंने दो दो बार पकड़ा हुआ ये। वर्दा, वर्दा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वर्दा की आंखों में थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं है। क्यों कर रही है? वर्दा तुम्हें बड़ा होके पास चलेगा, तुम टीवी पे आई थी और तुम होस्ट के हाथों में थी वर्दा, और तब तुम मुझे लिफ्ट भी नहीं करा रही होगी, दादा दादा कह रही होगी। चलो जाओ, मामा कहें। बेटा अपने भी ऐसी संभालना। हाँ भाई, आंटी कोई सवाल पूछना चाहती हैं हीरा से? इतनी प्यारी हीरा हमने बुला रखी है। हीरा, मेरा सवाल है आपसे। हाँ। कि आपने मॉडलिंग क्यों चूज किया, ये आईटी मतलब किया तो आपने मॉडलिंग ही क्यों चूज किया? मैंने ये करियर इसलिए चूज किया क्योंकि अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद अच्छा। मैंने एक जगह जॉब शुरू की। अच्छा। और मुझे मजा नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने फिटनेस इंस्ट्रक्टर की तरफ गई क्योंकि मुझे डांस करने का बड़ा शौक था स्कूल से। अच्छा। तो मैं जुम्बा करवाती थी लड़कियों को। क्या कहती थी? जुम्बा। जुम्बा मतलब ज़िबा कराती थी। मैं बैठ बैठ के ज़िबा कराती थी। डिफरेंट प्रोफेशंस में गई ये एक्सप्लोर करने के लिए कि मुझे जिंदगी में बस ये पता था कि मैं जो भी काम करूंगी ना वो मुझे काम नहीं लगना चाहिए। अच्छा। उसमें मजा आना चाहिए मुझे। तो जब मैंने एक्टिंग करना शुरू की तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं कैमरा के सामने 12 घंटे 14 घंटे हमारे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव आवर्स होते हैं। तो लेकिन ये मुझे काम की तरह नहीं लगा। हालांकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत आप में मेहनत, आपकी मेहनत लगती है, बट मुझे मज़ा आया। सो मैंने कहा प्रोफेशन तो वही होगा जिसमें मज़ा आए। अच्छा, ये जो अमीर एक्टर्स होते हैं ना, इनके यही जवाब होता है, मैं मजबूरी में काम नहीं करता। हमारी तो मजबूरी है काम करना बहन। बैठ जाए। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बहू, बहुत अच्छी पोती, माशाल्लाह, अल्लाह आपको मुबारक करे। तो इस वक्त हुआ है ब्रेक का, जल्दी जाइए ब्रेक लीजिए, वापस आइए, असलम मनाया कहीं नहीं जाएगा। मॉर्निंग शो होस्ट बनने के लिए क्या चाहिए? यासिर नवाज से शादी। नून लीग को वोट करने से क्या होता है? गुना। हॉलीवुड तक कॉपी हो रही है। अच्छा। इसका नाम है नजरबंद। करेंगे ये कि आपको एक ब्लाइंड फोल्ड पहनाएंगे, ठीक है, और ब्लाइंड फोल्ड के बाद यहाँ पर एक आइटम आएगा, ठीक है, उसको तो आप देख नहीं पाएंगी क्योंकि आप वो इस पे आ रहे हैं, तो पकड़ भी नहीं पाएंगी, महसूस भी नहीं कर पाएंगी। आपसे सवाल पूछ सकती है, आप उसके बारे में सवाल पूछेंगी और मैं आपको गैस करवाऊंगा, सब जवाब दूंगा उससे। हाँ। आप गैस करेंगे कि वो आइटम क्या है, ठीक है। देख रही हैं आप क्या लिखा है इस पे? अल्लाह, कहीं नहीं जाने देंगे हम लोग, पूरी ब्रांडिंग करेंगे। वापस आए हैं भाई, बड़ा खर्चा किया है ना, ये खुद पहने प्लीज, मैं किसी को अंधेरे में नहीं रख सकता। अल्लाह, चलें जी, बिस्मिल्लाह। वाह, कुछ नजर तो नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा। वेरी, बहुत अच्छी लग रही हैं आप, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। वाह वाह, उफ 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 उफ। आप 5 सवाल पूछ सकती हैं। पहला सवाल पूछे, मैं हिंट्स भी दूंगा, ठीक है। इज इट एन ऑब्जेक्ट? इट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स इट इज एन ऑब्जेक्ट। क्या है? कोई डिटर्जेंट है, कोई वुडन ऑब्जेक्ट, पेपर है, वुड है, इसका मटेरियल क्या है? इसका मटेरियल मेटल है। मेटल, लोहे जैसा है? लोहे, और बहुत ही लंबा है, मतलब पाइप है? पाइप भी नहीं है। सवाल पूछे, ये कैसे ना करें आप, ये है वो है। अच्छा, वो है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस चीज के लिए यूज होता है? किस लिए यूज होता है? हनीमून की तस्वीरें खिंचवाने के लिए। मोबाइल, कैमरा? नहीं नहीं, गैस नहीं करना, सवाल पूछने। सवाल पूछने। नीचे से खुला हुआ है, ऊपर से बंद है। अच्छा, और इसका वेट क्या है? कई हजार टन। ये इसको व्हील्स लगे हुए हैं? नहीं नहीं, खड़ा हो, कई अरसे से एक जगह खड़ा हुआ है। ओके, ये मुझे पता चल गया क्या है। क्या है? मीनारे पाकिस्तान। वाह 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 वाह। नहीं 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 नहीं, ओके, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ एक। खवातीन हज़रात, मीनारे पाकिस्तान, पाकिस्तान की वो निशानी है जहां पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई,
वो एक मंटो पार्क के अंदर खड़ी हुई ऐसी इमारत है जिसको बच्चा बच्चा जानता है, उसके ऊपर जा चुका है, लोहे की नहीं बनी हुई वो। सॉरी सॉरी, किस चीज की बनी हुई? लेकिन करीब हो आप, करीब हो आप। अच्छा, आईफिल टावर है? आईफिल टावर है, यस। वाओ, उधार दे उधार दे, वेरी नाइस भाई आप तो। ओह नाइस, आईफिल टावर। ओह माय गॉड, वाओ। देखिए लोहे का बना हुआ है, मुझे नहीं पता था। अच्छा भाई, अगले गेम की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला गेम हमारा बहुत कामयाब गेम है। इस गेम का नाम है ढाई सेकंड का मामला। बहुत अच्छा गेम है। इसमें होगा ये कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने ढाई सेकंड के अंदर उसका जवाब देना है। अगर आप ढाई सेकंड में उसका जवाब ना दे पाएं तो बजर बजेगा। बजर कैसा बजेगा? एक ही चीज है जो हम पुराने सेट से यहां लाए, ये बजर समझ रही है? ये बिल्ली है, कोई मसला नहीं है इसके साथ, ये बिल्ली है बस। ठीक है। और एटीट्यूड वाली बिल्ली करती है। अच्छा, ढाई सेकंड के मामले, और ये क्लॉक भी चलेगी जैसे क्लॉक चला के दिखाएं चलती है कि नहीं? ये बिल्कुल चल रहा है। हाँ हाँ, ढाई सेकंड जैसे ही होंगे बजर बजेगा। ठीक है, कोई भी जवाब दे सकती हूँ। अच्छा, जवाब ऐसा है कि आपको सही गलत नहीं देना, जवाब दे मगर प्रॉपर जवाब देना है। फॉर एग्जांपल, ये नहीं कह सकती है कि दुनिया का सबसे करप्ट आदमी कौन है, आप बोले मैं नहीं। ठीक है, इट हैज टू बी अ नेम, इट हैज टू बी अ नंबर, इट हैज टू बी यू नो समथिंग सिमिलर। सही है, ये नहीं तुम मैं बहुत लंबा बहुत बड़ा नहीं। ओके, अब गेम स्टार्ट कर रहे हैं। ढाई सेकंड का मामला। खवातीन हजरात नजर जमा लीजिए, मेरे सामने बैठी है हिरा खान, पाकिस्तान की अपकमिंग आर्टिस्ट। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है इनका, मगर बता नहीं सकते। पहला सवाल, खुलो ना, पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता है तो वो कौन है? नवाज शरीफ। नहीं, असर ही ऐसा होता है कि जो यहां आ जाता है उसके मुंह से मियां दे नारे बजने लगते। अगला सवाल, मेरे पैसे कब वापस करेंगी? कल। ठीक है, मुर्तजा ने क्यों थप्पड़ मारा? बदतमीज है, बहुत बदतमीज है मुर्तजा। फॉरेस्ट में कितने दरख्त हैं? 500। वाह, बड़ी काउंटिंग की हुई। वर्ल्ड कप कौन हारेगा? स्पेन। नहीं नहीं, टाइम में था, टाइम में था, टाइम में। मैं हिरा के साथ बीमारी नहीं होने दूंगा। सलीम और आपका क्या रिश्ता है? भाई है मेरा। मुझे बिल्कुल अंदाजा था यही निकलेगा। अफगानिस्तान का क्या मशहूर है? खाना। बहुत अच्छा जवाब था, बहुत अच्छा जवाब था। जोर से हवा चले तो क्या आवाज आती है? एक और आवाज आती है। मैंने दिया जवाब। हाँ सही दिया, सही दिया। ये हमारा अपने शुगल थे, अभी तो कुछ करेंगे, बैठे रहेंगे क्या? ठीक है। खान या आमिर से बेहतर एक्ट्रेस कौन है? कोई भी नहीं। यानी आयजा खान हानिया आमिर से कम अच्छी एक्ट्रेस है? वो भी बहुत अच्छी है। ओहो, मैं तो सबके साथ अच्छी रहूंगी, हर किसी की गुड बुक्स में रहूंगी मैं हिरा खान। सबसे प्यार है मुझे। अच्छा, किसको एक्टर के सबसे ज्यादा नखरे हैं? साइमा चौधरी। ये तो हमारी आर्टिस्ट हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा साइमा जी, बहुत अच्छा खेला आपने, कमाल खेला। थैंक यू। अब मेरी बारी, अब मैं पूछूंगी सवाल। हां ना, करें। आपके पास है क्या आइटम? बिल्कुल, इस सेट पर पहली बार ये गेम किया और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक्टर ने बगैर बजर के सारे जवाब सही दिए। वेरी वेल डन, ताले होने चाहिए। वक्त आ चुका है, अब वक्त आ चुका है, पहली बार तारीख में मेरे साथ ये गेम खेला जाएगा, खेलिए ना। सबसे पहले मैं जो ताबिश चेहरा बनाते हैं सवाल करने से पहले, जो कि ये है, वो बनाऊंगी। नहीं, मेरी आंखों का मजाक ना हो रहा है, वैसी छोटी है, चीरा लगा हुआ है, बंद आंखों के साथ पैदा हुआ है, चीरा लगा के खोली है। नहीं नहीं, देयर इज अ फेस दैट यू मेक, मैंने नोटिस किया ये करते हुए। जी बिल्कुल, ये करने के साथ we'll start. स्पेन का दारुल हुकूम क्या है? बार्सिलोना। मॉर्निंग शो होस्ट बनने के लिए क्या चाहिए? यासिर नवाज से शादी। नून लीग को वोट करने से क्या होता है? गुना। मालिक, आपकी बनियान में कितने छेद हैं? दो हैं। दूसरी बीवी का नाम क्या है? होगी तो बताऊंगा, पक्का हूं। गाड़ी बच गया, झूठे। हुमायूं सईद में किस चीज की कमी है? आयोडीन। किसके साथ फिल्म करना चाहोगे? आपके साथ हिरा खान। कौन सा इंटरव्यू सबसे बुरा था? उनके साथ बुरा हो रहा है, वो तो बोल नहीं सकता। किस नाम की खवातीन खूबसूरत होती हैं? हिरा नाम की। ये भाभी के लिए बोला गया। हाँ जी जी, भाभी नहीं, वाइफ, सुनो। बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, आपने भी बहुत अच्छा खेला। खवातीन हज़रात, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेकर मैं वाइफ को जरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, जल्दी वापस आइएगा, इसने मना कहीं नहीं जाएगा।
म्यूजिक। खातिर आजाद, मैं हूं शाहजेब खान दादा, आप देख रहे हैं जियो न्यूज। मेरे सामने मौजूद है इरा खान। गेम का नाम है या, इसमें आपको चॉइसेस दी जाएंगी, आपने उनमें से एक को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्शन क्या क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि आपकी एक ड्रामा था मेरे हम सफर, उसमें आपकी बगैर पूछे मंगनी करा दी थी मर्जी के खिलाफ। आज आपके पास चॉइस है, आप सिलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी तस्वीरें हमारे पास मौजूद है बड़े बड़े लोगों की, इनमें से हम क्या कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू एक बंदा सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, दिखाइए भाई पहले दो लोग कौन है आज के या में। वाह, द नेशनल क्यूटीज ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर शहबाज शरीफ एंड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, अभी हटते जाएंगे, हटते जाएंगे। हाँ, शहबाज शरीफ। मियां साहब को हटाइए, मियां साहब को लंदन भेज दें, शहबाज शरीफ को रोक लें। ओह, बिलाल अब्बास या शहबाज शरीफ? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास को हटा दें, हटा दें, कह रही मियां साहब को रोके। ना ना, अच्छा बिलाल अब्बास को रोके, मियां साहब को हटा दें। मियां साहब बुरे नहीं लग रहे, अच्छे लग रहे हैं, इनके अंदर है। हाँ हाँ, फिट लग रहे हैं। अब कॉम्पिटिशन भारी होने वाला है, मियां साहब को हटा। भाई ये तो जाहिरी बात है कि बिलाल अब्बास जाएंगे, शेख रशीद रुकेंगे। ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, बिलाल अब्बास रहेंगे और शेख साहब फिर से जाएंगे, फिर से जाएंगे। हटाओ शेख साहब को। ओए हो, जाहिद भाई और बिलाल अब्बास, मुश्किल मुश्किल है, वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों कमाल के एक्टर्स हैं और खूबसूरत भी, खूबसूरत भी, और एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। सो जाहिद रहेंगे, क्योंकि बिलाल को हम रख चुके हैं दो दफा। चाहिए बिलाल को, कटाइए बेटा, बड़ा एक्टर आ गया, सीनियर आ गए। शहजाद शेख और जाहिद भाई, शहजाद शेख रहेंगे, काम कर चुकी हूँ मैं इनके साथ, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। काटिए भाई, काटिए। अदनान सिद्दीकी और शहजाद शेख, शहजाद शेख रहेंगे। अदनान भाई, अब आपका टाइम भी हो चुका है, बहुत तमाशा हो चुका। ओह, समी खान और शहजाद शेख, शहजाद रहेंगे, शहजाद रहेंगे और रहते चले जाएंगे। अगला दिखाइए। कौन है ये? ये है साद कुरैशी। साद कुरैशी और शहजाद शेख, साद कुरैशी रहेंगे। अब दिखाइए भाई, साद कुरैशी के साथ कौन जोड़ी बनाने आ रहे हैं? बिलावल भुट्टो सरकार, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हाँ भाई, अब कौन रहेगा? सारा का जहीन रहेगा, सारा का जहीन रहेगा, साथ रहेंगे सारा का जहीन, और बिलावल फिर चले जाएंगे किसी फॉरेन टूर पे। कंपटीशन बहुत भारी। ओए होए मिर्च लग गई रे मेरे को। वकार जका और कुरैशी साहब में से किसको सेलेक्ट करेंगी? साथ के पास बिटकॉइंस नहीं है, तो अब साथ जाएंगे, वकार जका रहेंगे। बिटकॉइन के शहजादे वकार जका रहेंगे और शहजाद कुरैशी चले जाएंगे, सब पैसे का चक्कर है। साथ कुरैशी, साथ कुरैशी, सॉरी, साथ कुरैशी चले जाएंगे, वकार जका रह जाएंगे। अब आखिरी मुकाबला है, दिखाइए किसका है, जो अब जीत गया वो आपके साथ। ओए होए होए होए, ऑब्वियसली वकार जका। क्या अहमद अली अकबर रहेंगे? अहमद अली अकबर रहेंगे और रहते चले जाएंगे। खवातीन और हज़रात, वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है कि अब विनर देखा जाए, कौन है वो लकी आदमी जिसकी मंगनी हिरा से हो सकती है, कंसेंट शामिल है। दिखाइए विनर, विनर इज अहमद अली अकबर। बहुत आला, What an actor. हम असल में जरा कागजी कार्रवाई हो रही थी ना, इसलिए देर लग रही थी, उनसे भी तो पूछ रहे थे करेंगे या नहीं, उन्होंने तो टाइम लगाया। हाँ, कहने सोचा लेकिन लगा दिया ना। What a brilliant actor ही है यार, amazing man। बहुत दिनों बाद वक्त आ चुका है एक ऐसी चीज का जो हंसना मना में पहले कभी नहीं हुई। हमने ये सोचा था कि हम अपने ऐसे गेस्ट को जो सारे सवालों के सही जवाब देंगे, बहुत ही लाइवली परफॉर्मेंस देंगे, तो उनको हम गिफ्ट हैम्पर देंगे। हमने सोचा था 50-60 एपिसोड निकल जाएंगे फिर ऐसा होगा, मगर दूसरे ही एपिसोड में ऐसा हो चुका है।
यस, यू आर अ ब्रिलियंट गेस्ट. आपने सारे सवालों के सही जवाब दिए. उन बातों पर भी जिसे मुस्कुराहट बनती नहीं थी आपने लाफ्टर दिए. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड फॉर दैट आई हैव अ वेरी लवली गिफ्ट हैम्पर फॉर यू. लाइए अंसारी. सो स्वीट. अच्छा ऐसा है कि मैंने सुना है कि आपको थोड़ा डांस का शौक है. हाँ. सही है. तो हमारा एक सेगमेंट भी है उसका नाम है इखलाकी दायरा. अक्सर वो दायरा छोटा होता चला जाता है. ठीक है. ठीक है. तो उसके उसको खेलते हैं. बहुत मजे का है. लाइए भाई इखलाकी दायरे ले आइए. अच्छा पहला ऐसा है कि इखलाकी दायरा में होता यह है कि हम एक म्यूजिक बजाएंगे. म्यूजिक बड़ा स्पेसिफिक सा है, बड़ा हमने ढूंढ के निकाला है. वो फ्री स्टाइल डांस है. आप कैसे भी कर सकती हैं. छिक 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 छिक. फिर उसके बाद लिमिटेशंस आती रहेंगी. डन. पहला गाना लगाइए मार्केट में. यहाँ जाऊं. आप कहीं भी जा सकती हैं. मुझे क्या फर्क पड़ेगा इससे. ठीक है. वाह. जब तक मैं ये करूं. वाह वाह. गाना चेंज. अब लेवल एडवांस हो चुका है. आप दूसरे लेवल पे पहुंच चुके हैं. इसके बाहर ना निकले. ये इखलाकी दायरा है. ठीक है. कम ऑन गाना. वाह. ये इखलाकी दायरे से इखलाकी ट्रायंगल तक बात पहुंच चुकी है. मैं यहां रख रहा हूं. जो कुछ करना है इसी में रहना है, इसी में करना है. अब बेटा यहां से आगे नहीं जाना. ठीक है. वाह. चल म्यूजिक. बोला खवाती राजा. मैं हूं शाहजेब खान दादा. आप देख रहे हैं जियो न्यूज़. बहुत सारे होने चाहिए. बड़ा लवली गेस्ट लिया टुडे लेडीज एंड जेंटलमैन हेरा खान. खवातीन हज़रात 11:55 हो रहे. वक्त आ चुका है कि आज ही कमाल बात की जाए. तो भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हर साल दुनिया में कम से कम 7 मिलियन लोग यानी 70 लाख लोग एयर पोल्यूशन की वजह से इंतकाल कर जाते हैं. पाकिस्तान को भी एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है और लाहौर कई सालों से दुनिया का आलूदा तरीन शहर बनता चला आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग माशाल्लाह से कूड़ा जलाने का बहुत शौक रखते हैं. अगर इंडस्ट्रियल सतह पे कूड़ा जलाया जाए तो उससे बिजली पैदा हो सकती है, मगर ये छोटे छोटे जो कचरे आप जला रहे हैं घर के कचरे, इससे सिर्फ लोगों के फेफड़े मुतासर हो रहे हैं, उनके अंदर धुआं भर रहा है. तो अगर आपको इस स्मॉग से निजात चाहिए तो कूड़े को कूड़ेदान में फेंकें, ना कि अपने अरमानों पर डाल के आग लगा दें. प्लीज इसका ख्याल रखिएगा. शहर को साफ रखिएगा, मेरे मुल्क को साफ रखिएगा. तो खवातीन और हज़रात अब सोने का वक्त आ चुका है. सोइएगा. हंसना मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल दोबारा आपके पास आएगा. गुड नाइट. अल्लाह हाफिज़.